मैं सोच रहा था कि अब सोचने के अलावा और मैं कर भी कह सकता हूं। एनीवे, मैं सोच रहा था कि कुछ ना करना कुछ करने से कितना डिफिकल्ट है। कुछ मत करो, कुछ ना कहना भी कुछ कहने से बहुत डिफिकल्ट है। हमको आदत है, इतने सालों से हमें आदत है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ कहने की, कुछ ना कुछ सोचने की। तो आजकल जो दौर है उसमें हम इस बात की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कुछ ना कहें और कुछ ना करें। पर इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है कि कुछ ना करो। बचपन में छोटे थे तो माँ बोलती थी चुप पड़ा रहे, कुछ मत कर, मगर हम भी अम्मा 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 ऐसे ऐसे करते रहते थे क्योंकि हमारी बॉडी ट्रेन ही नहीं हुई इसमें कि हम कुछ करें कुछ ना करें। तो मैंने सोचा कि वाकई जिन दिनों हमारे पास आज का टाइम है तो ये प्रैक्टिस करके देखते हैं। शायद इसी को एकाग्रता बोलते हैं, इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को शायद मेडिटेशन बोलते हैं। कुछ मत करिए और सांस लीजिए बस। वाह, क्या कर रहा हूँ जी मैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ। इतनी शांति का एहसास होता है, इतना अच्छा महसूस होता है, अपने जीवित होने का एहसास होता है। यू फील गुड, यू फील एन ऑटोमेटिक स्माइल ऑन योर फेस जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज माइंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो लेट अस प्रैक्टिस नॉट डूइंग एनीथिंग व्हाइल वी आर एट होम, कीपिंग सेफ डिस्टेंस। लेट्स नॉट डू एनीथिंग। ये आगे आगे बहुत काम आने वाला है। क्या कर रहा हूं जी? क्या कर रहे हो दोस्त? कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं बस। और खुश होकर बोलिए।